अभी बहुत रिसेंट में नई किताब आई है और विल स्मिथ हॉलीवुड के अदाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सियाफा में और इनकी आप बीती है विल के नाम से और इस आप बीती के लिखने में इनकी मदद जो है वो मार्क मैनसन ने की है। मार्क मैनसन जो है वो मारूफ न्यूयॉर्कर न्यूयॉर्क ब्लॉगर हैं जिनकी किताबें बेस्ट सेलिंग हैं और बहुत अच्छे लिखा रही हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उनकी ख़ास बात ये है कि वो उनकी तहरीर कैप्टिवेटिंग है ना, और शायद यही वजह है कि विल स्मिथ ने फिर उनके ताबुन से अपनी जो आबीती जो है वो रकम की है। और इस किताब के अंदर जो है वो विल स्मिथ ने अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल हासिलात यानी कि जो कुछ इन्होंने ज़िंदगी में हासिल अचीवमेंट्स और ज़िंदगी के बारे में अपना तासुरात बयान किए हैं और कामयाबी और नाकामी की तारीफ़ें बयान की हैं और किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ा वो भी बयान किया है। सबसे दिलचस्प चीज़ जो इस किताब के आगाज़ में हमें मिलती है वो ये है कि विल स्मिथ ने एक वाक़े से इस किताब का आगाज़ किया और वो वाक़या ये था कि ये फिलाडेल्फिया में ये जहाँ रहते थे वहाँ पे इनके वालिद की शॉप थी, उस बहुत बड़ी शॉप थी, उसके लिए इन्होंने एक दीवार तामीर करनी थी गालिबन 12 फीट बुलंद और 60 फीट मेरा ख्याल है चौड़ी। बहरहाल वो दीवार जो है वो तामीर करनी थी, उसके लिए विल के वालिद ने जो है वो मज़दूरों को हायर नहीं किया ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, बल्कि उन्होंने अभी जबकि ये लोग स्कूल जाते थे बहुत छोटे थे और स्कूल से वापसी पर ये दुकान चले जाते थे अपने वालिद की मदद करने, तो इनके वालिद ने इनसे कहा कि ये जो दीवार है ये तुम दोनों भाई मिलकर तामीर करोगे और रोज़ाना स्कूल से आने के बाद तुम लोग दुकान पर आओगे, सबसे पहले ये दीवार जो है जो गिर रही है या टूट चुकी है इसको गिरा के पहले इसकी बुनियादें जो है वो सही करोगे, फिर बुनियादों में सीमेंट भरोगे, फिर सीमेंट भरने के बाद फिर एक एक ईंट करके उठाते जाओगे और ये तामीर करोगे। बहरहाल विल स्मिथ ने लिखा है कि मैं एक बहुत ही डरपोक बच्चा था और अपने वालिद से बहुत डरता था और इंतहाई नागवारी के साथ हमने दोनों भाइयों ने ये दीवार बनाना शुरू की और एक ऐसी दीवार जो अगर पेशेवर मज़दूर बनाते तो दो दिन में तामीर कर सकते थे। हमने बुखार में बारिशों में हर मौसम में हम यहाँ आते और ये दीवार तामीर करते रहते और हमारे वालिद ने हमें कभी किसी किस्म की कोई ना छुट्टी दी और ना किसी किस्म का रिलीफ दिया और ये दीवार हमारे सर पे सवार हो गई थी, यानी कि बस हम सोचते थे न जाने ये कब मुकम्मल होगी। और विल स्मिथ का ये कहना है कि ये दीवार तामीर करने में हम दोनों भाइयों को, इनके भाई का नाम है हैरी स्मिथ है जो इस दीवार के बनाने में इसके साथ था, तो तकरीबन एक साल लगा बकौल इनके, एक साल लगा हमें ये दीवार तामीर करने में, लेकिन जिस दिन हमने इसकी आखिरी ईंटें रखी, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले का वाकया ये बयान करते हैं कि एक दिन हम दोनों भाई जो हैं वो इंतहाई उकताए हुए थे और ईंटें बना बना के जो है वो रख रहे थे और पता नहीं हमारे मुंह से कुछ बेदारियत के कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो हमारे वालिद के कानों तक चले गए। वो दुकान से निकल कर आए गुस्से से और उन्होंने जो है वो हम दोनों को खड़ा किया सामने और कहा कि दीवार को भूल जाओ, सिर्फ ईंट याद रखो और सिर्फ एक ईंट पर नज़र रखो, तुम हर ईंट के बाद अगली ईंट पर नज़र रखो, सिर्फ तुम ईंट पर नज़र रखोगे तो दीवार कब और किस तरह खड़ी हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ, उस दिन के बाद से फिर इन दोनों भाइयों ने जब आखिरी दिन ये दीवार इन्होंने आखिरी ईंटें रखी फिर उसके बाद जाके अपने वालिद के बराबर में खड़े हुए
तो के वालिद का नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कैरल विल करके कुछ नाम है। तो विल के वालिद ने कहा कि आज के बाद तुम दोनों भाइयों के मुंह से मैं कभी ये ना सुनूं कि हमसे ये काम नहीं हो सकता। और विल स्मिथ का कहना है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबक मतलब मेरे दिलो दिमाग में इस तरह उतर गया कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो हर काम के बाद फिर मेरी नई नई ईंट पे मेरी नज़र गई, और फिर मैंने नई ईंट रखी, फिर उसके बाद मैं अगली ईंट पर चला गया, फिर अगली ईंट पर चला गया, अगली इसी तरीके से जो है वो कामयाबियाँ मुझे मिलती चली गई। और लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी के और भी जो बहुत सारे हकायक हैं वो भी इन्होंने बयान किए हैं उसमें, और जो हॉलीवुड की चकाचौंध है उसके पीछे पस मंज़र में लोगों की नफ्सियाती ज़िंदगी है या रूहानी ज़िंदगी है या तजुर्बाती ज़िंदगी है, उससे जो कुछ तासुरात इनको मिले हैं वो इसमें इन्होंने किताब में शामिल किए हैं। तो बिल्कुल नई किताब है, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। और इस किताब में आपको जो है वो एक फ़नकार एक अदाकार तासुरात के एक ऐसे मयार पे मिलेगा कि जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।